हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं केशव शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक रियलिटी शो के बारे में, बिग बॉस 15 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हालांकि मैंने दो चार वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, तो आप उनको भी चेकआउट ज़रूर कीजिए। आज इस मोस्ट पॉपुलर शो के बारे में जानेंगे कैसे आप इस शो के अंदर ऑडिशन दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि सलमान खान इस शो के होस्ट हैं, उनकी मूवी रिलीज़ होने के बाद उनको फाइनली अब टाइम मिल चुका है कि वो बिग बॉस को भी होस्ट कर सकें। जी हां दोस्तों, ये शो आपको सितंबर अक्टूबर 2021 के अंदर देखने को मिल जाएगा और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है अभी भी ओपन है और ये मार्च से ही ओपन हो गए थे। तो वीडियो के साथ बने रहिए, कुछ डेट्स के बारे में बात करूँगा, एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में बात करूँगा, जो मेन कंसेप्ट है इस गेम का उसके बारे में बात करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता बिग बॉस के अंदर क्या करना होता है, आपको डांसिंग सिंगिंग नहीं करनी होती, आपका जो रियल फेस है, जो आपकी रियलिटी है, जो आपका रियल कैरेक्टर है, वो आपको दिखाना होता है। 100 डेज का होता है कि 100 दिनों के लिए आपको रखा जाता है ऑन कैमरों के सामने और वो कैमरे आप पर नज़र रखते हैं कि आप 100 डेज के लिए क्या क्या करते हैं। वो सारा का सारा बिग बॉस उसको कैप्चर करके टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर दिखाता है। सलमान खान इस शो को होस्ट करते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, आप लोग सब जानते ही होंगे। और हर वीक में एक बंदे को निकाला जाता है। इस तरह से आपको जो भी जीतता है उसको 50 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये तक का प्राइज़ भी मिलता है। और उसके बाद उसको काफ़ी शोज़ के अंदर, टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर, मूवीज़ के अंदर काम करने का मौका भी मिलने लगता है। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा चांस हो जाता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है बिग बॉस में जाना। देखो, जीतना ना जीतना अलग बात है, अगर आप बिग बॉस में जाते हैं तब भी आपको इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने लगती है। बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स हैं, ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो बिग बॉस के अंदर गए और उसके बाद उनके करियर को 4 चांद लग गए। तो बिग बॉस के अंदर आप बाय चांस चले जाते हैं और अगर आप अपनी पहचान नहीं छोड़ के आते तो फिर बिग बॉस में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम बात करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया, कैसे आप इस शो के अंदर जा सकते हैं, क्या आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आपके लिए एक कॉमन मैन आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर आप कॉमन मैन हैं तब भी आप इस शो के लिए एलिजिबल हैं। फिलहाल पहले नहीं हुआ करता था, 2-3 सीज़न तक ऐसा नहीं हुआ, सेलिब्रिटीज़ को ही ये ले रहे थे, बट फिर से कॉमन मैन यानी कि नॉर्मल पीपल भी इस फॉर्म को फिल करके बिग बॉस 15 का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो डेफिनेटली आप इस शो के लिए एलिजिबल हैं। आपको करना सिर्फ यही होगा, जैसे मैं आपको फॉर्म बताऊंगा वो आपको फिल करना है। बिग बॉस के अंदर जाने के लिए इंडियन होना ज़रूरी है, इंडियन सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए। पार्टिसिपेट करने वाला जो भी बंदा है उसके पास आईडी प्रूफ होनी चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी हो सकता है। और गाइज, मेंटली फिजिकली फिट होने चाहिए आप। अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट हैं, आपके डॉक्टर ये बोल देते कि हाँ भाई आप फिट हो बिल्कुल, तो आप इस शो के लिए एलिजिबल हैं। गाइज, अब आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बगैर आप इस शो के अंदर नहीं जा सकते। तो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन से रजिस्ट्रेशन करूंगा, यानी कि पीसी के साथ रजिस्ट्रेशन करूंगा। आप अपने मोबाइल के साथ भी ये काम कर सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर भी आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको ये फॉर्म दिख रहा होगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं सलमान खान सर की फ़ोटो आपके सामने नज़र आ रही होगी और इधर लिख रखा है बिग बॉस फर्स्ट टाइम एवर, सेंड योर ऑडिशन वीडियोस टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस 15 ओनली फॉर वुड सेलेक्ट यूज़र्स। ये इस तरह से फॉर्म खुल चुका है और इधर आपको नेम का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद इधर आपको साफ साफ लिखा आ रहा है रिकॉर्ड योर एंट्रीज, वीडियो एंट्रीज आपको रिकॉर्ड करनी है। नीचे ऑप्शन आ रहा है प्लीज़ अलाउ परमिशन टू सक्सेस कैमरा एंड माइक्रोफोन टू आस्क द प्रोसेस फॉर रिकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी आवाज़
क्लियर होनी चाहिए। आप कुछ भी उनको बता रहे हैं तो क्लियरली उनको सुनाई देना चाहिए। आपका फेस बिल्कुल दिखना चाहिए कि भाई हाँ, ऐसा ब्लर ना हो जाए या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तभी आपको वो वीडियो इधर डालनी है। अपना नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है और वीडियो डालनी है, और आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है कि आप 18 साल से ऊपर हैं। एग्री टर्म्स और कंडीशंस पे क्लिक करके आप सिंपली फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। हालांकि आप वूट एप्लीकेशन के थ्रू भी इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, बट आपको उसका प्राइम मेंबरशिप खरीदना होगा, नहीं तो आप इस वेबसाइट के थ्रू भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप प्राइम मेंबरशिप खरीद के फॉर्म के अंदर फिलिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक एक्स्ट्रा चांस मिलता है, एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट आप इसको समझ सकते हैं। तो डेफिनेटली आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, बट अगर आप विदाउट ऐप के थ्रू करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। आपको ज़रूर ये चीज़ करनी चाहिए अगर आप एक इंडस्ट्री फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए साबित होने वाला है। और अगर आप ऐसे ही नाम कमाना चाहते हैं तब भी आप इस शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।